बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म एडीपी पार्ट टू की एक और वीडियो के साथ मैं हूँ नुज़हत मलिक। आज की वीडियो में पाकिस्तान में सहाफ़त के मसाइल या सहाफ़त पर क्या दबाव है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, किस हद तक जो अखबारात हैं, मीडिया है, उसे आज़ाद होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है। क्या मैं पाकिस्तान के साथ ही बहुत सारे ऐसे कवानीन जो सहाफ़त के लिए नुकसानदेह थे वो राइज कर दिए गए? इसके बाद जो फौजी हुकूमतें आईं उन्होंने भी इसमें इजाफा किया और वो नहीं चाहते थे कि हुकूमत के खिलाफ अखबारात जो हैं वो कोई बात कहें। हुकूमत ने, जो अखबारात के मालकान हैं उन्होंने और प्रेशर ग्रुप्स ने बहुत ज़्यादा प्रेस की आज़ादी को जो है नुकसान पहुंचाया है। तो एक इत्तेदाल और तवाज़ुन का सिस्टम कायम नहीं हो सका। समझें कि एक जंजीर है जो कि प्रेस को जकड़े हुए है। कुछ ऐसे प्रेशर हैं जिनको हम बखूबी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मसलन ऐसे कवानीन हैं जो कि प्रेस की आज़ादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद जो अयूब खान का जो ज़माना है, अयूब खान का जो दौर है, मुख्तलिफ कवानीन का निफाज हुआ, जो कवानीन नाफिज हुए हैं उसमें प्रेस एमरजेंसी ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट और अमन आमा आर्डिनेंस शामिल है। इसके तहत बेशुमार अखबारात को, जिसमें नवाई वक्त जैसा अखबार भी शामिल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जहाँ तक जमहूरी हुकूमतों का ताल्लुक है, उसने भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं मीडिया पर, और ये चीज़ अभी भी कायम है। कभी हुकूमत ने सेंसरशिप आयद कर दिया, कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट की वजह से अखबारात को नुकसान उठाना पड़ा, और न्यूज़ प्रिंट पेपर जो है उसकी सप्लाई रोक दी जाती थी और उसको महदूद कर दिया जाता था, और अपने मनपसंद अखबारात जो कि हुकूमत की मदसराई में लगे रहते थे उनको ये पेपर दिया जाता था। इसी तरह रॉ मटेरियल का है एक और नुकसान जो कि प्रेस की आज़ादी को हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुरबत है, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें इतना शऊर नहीं है। और इसी तरह जो जर्नलिस्ट हैं वो भी, उनकी भी कसीर तादाद जो है वो भी इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। एक और नुकसान जो प्रेस को हुआ वो प्रेस एडवाइस की वजह से है। ये प्रेस एडवाइस क्या होती है कि हुकूमतों ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अखबार को तहरीरी हदायत दी जाती हैं कि जी फलां खबर को आपने इस तरह और इस रंग में पेश करना है, यूँ हुकूमती महकमे और सरकार की हर जो बुरी बात है उसको अखबार की तनकीद से ये बचा लेते हैं। लोगों की इतनी इस्तेदाद भी नहीं है कि वो अखबार पढ़ सकें, क्योंकि माशी तौर पर लोग जो हैं वो कमज़ोर वाक़े हुए हैं और वो रोज़ अखबारात पढ़ना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक नुकसान जो हुआ है वो अनस्किल्ड जर्नलिस्ट की वजह से हुआ है। बहुत सारे जो दोपहर को शाये होने वाले अखबारात हैं इसमें सीनियर लोग नहीं शामिल होते, सीनियर जर्नलिस्ट नहीं होते। बस इस तरह के जर्नलिस्ट जब आ जाएंगे तो उसका अखबार का मेयार क्या होगा तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर जो सरकारी इश्तहारात हैं, आमदन, अखबार की आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और जो 60% मैंने पहले भी आपको बताया है इश्तहारात हैं वो सरकारी होते हैं। तो जो अपने मंजूर नज़र अखबारात होते हैं हुकूमत के, उनको इश्तहारात से नवाजा जाता है, और बहुत सारे जो अखबारात हैं
उन पर खास तवज्जो नहीं दी जाती। इसके अलावा कागज़ का मसला, न्यूज़ प्रिंट का मसला है, और बिलों की अदायगी है। बिलों की अदायगी रोक ली जाती है जो इश्तहारात की वजह से अदा करने होते हैं हुकूमत ने, तो वो भी नहीं होते। अखबार के जो मालकान हैं उनका भी रवैया कोई ख़ास बेहतर नहीं है, वो भी आज़ादी सहावत की राह में रुकावट है, और वो अपने मखसूस मफादात के तहत जर्नलिस्ट को सच लिखने से भी बाज रखते हैं। कारकुनों से रवैया भी उनका इतना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा सहाफ़ी और कारकुनों का एक और मसला ये है कि उनको तनख्वाहें जो हैं बहुत देर से दी जाती हैं, कम दी जाती हैं, कटौती की जाती है, और साल में दो दो तीन तीन तनख्वाहें जो हैं उनकी रोक ली जाती हैं। और इस वजह से, और वजह यह है कि जो बेशतर अखबारात हैं उनके जो मालकान हैं वो सहाफ़ी नहीं हैं, और प्रेशर ग्रुप भी एक बहुत बड़ा अंसर है जो कि आज़ादी सहाफ़त के लिए नुकसानदेह है। हमारे अगर पाकिस्तान में बात की जाए कि प्रेशर ग्रुप कौन कौन से हैं, सियासी जमातें हैं, हर सियासी जमात है उसका कोई ना कोई अखबार होता है, और उसका मकसद भी यही होता है कि वो अपनी पॉलिसियों का नफाज चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा पज़ीराई हो। और इसके अलावा एक और प्रेशर ग्रुप मज़हबी और लिसानी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, ये भी बहुत ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त की राह में रुकावट बनती हैं। मौशी हालात की बात की जाए तो सरमाए की तो कमी शुरू से रही है, और जो अखबारात हैं इनके पास कोई ख़ास सरमाया नहीं होता। मुख्तलिफ इश्तहारात हैं जिनकी वजह से ये अखबारात चलते हैं, तो सरमाए की जो कमी है ये बहुत ज़्यादा रुकावट बन रही है तरक्की में। प्राइवेट इश्तहारात जो हैं वो भी कोई खातिर ख्वाह तादाद नहीं है उनकी, और सामान्य तबात जो है प्रिंटिंग मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और अखबारात के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर अखबार की अशात की बात की जाए तो हमारे यहाँ अशात बहुत कम है, क्योंकि अखबारात की आमदनी कम है और लोग ख़रीदते नहीं हैं, इसलिए कम तादाद में अखबार छपते हैं। पाकिस्तान में अखबारात की माशी हालत अच्छी नहीं है कि वो बराह रास्त कारीन तक पहुँच सकें, मुख्तलिफ एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता है, वो कमीशन ले लेते हैं, इसलिए अखबारात जो हैं सही तरीके से तकसीम नहीं होते। ज़राए मवासलात पाकिस्तान में अच्छे नहीं हैं, खबर के हसूल के जो ज़राए हैं वो भी, उस पर भी खासा मुआवजा अदा करना पड़ता है। इसके अलावा अखबारात का बाहमी मुकाबला भी एक दूसरे से होता है, और दूसरे ज़राए अबलाग के साथ भी अखबारात का मुकाबला है, मसलन रेडियो, टीवी, फिल्म, थिएटर, और जैसे जैसे जिद्दत आ रही है लोग जो हैं अखबारात को इतना पसंद नहीं करते, उनको पढ़ना पसंद नहीं करते, जदीद रुझानात आते जा रहे हैं तो कोई भी नहीं जाता कि अखबार लेकर पढ़ें, नेट पर देख लेते हैं उसकी खबरें, और वैसे भी हर वक्त न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं। जो अखबार की मिल्कियत है, इनफरादी मिल्कियत में कुछ अखबारात हैं, और सियासी जमात की मिल्कियत में भी हैं, सरकारी मिल्कियत में भी हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अखबारात पाकिस्तान में हैं। तो ये मसाइल हैं कि लोग जो हैं नाख्वानदा हैं, और सहाफ़ियों की जो कारकर्दगी इसलिए कम अच्छी नहीं है क्योंकि वे उनको कम मुआवजा दिया जाता है, उन्हें हर वक्त उनके जहन पे बहुत सारे सवालात होते हैं कि उनको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर पुरसकून माहौल दिया जाए, वक्त पे उनको मुआवजा दिया जाए, तो उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में सहाफ़ती तरबियती इदारे भी नहीं हैं, बस
जर्नलिस्ट ऐसे ही बन जाते हैं, एक अखबार को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके साथ साथ सीखने का मौका मिल जाता है, और फिर ये बकायदा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां आप तरबियत दे सकें। तो ये थे जी मसाइल जो कि पाकिस्तान की सहाफत को दरपेश हैं। इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं पाकिस्तान की सहाफत पे जो असर अंदाज होने वाले मुख्तलिफ सियासी माशी और समाजी प्रेशर है उसकी बात करूंगी, और मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत और सहाफत के कैसे तल्लुकात रहे, उनके दरमियान क्या कश्मकश रही, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और ये हर जो सियासी दौर है उसकी बात होगी कि उसमें अखबार की कारकर्दगी कैसी रही। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।